हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिक कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जिनको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, जिनके हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं और उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना होता है जो कि करेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो कि बेस्ड थे किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कई सारे चैप्टर्स आपके अलग अलग दे रखे हैं, यूनिट वही है। ठीक है, जैसे कि आपका पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, उसके बाद आपको दे रखा है गाउस लॉ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, कुछ डेरिवेशंस दे रखे हैं, तो हमने उन सबको आपको पढ़ा दिया है। उन्हीं के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आवेशित खोखले चालक गोले। ठीक है, यानी कि चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, जिसके भीतर किसी बिंदु पर हमसे कह रहा है क्या, विभव शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव बिंदु की केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र बिंदु की केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे क्या है, एक कोई ये स्फेरिकल एक गोला है। ठीक, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। अब हमसे कह रहे हैं कि इसके भीतर, यानी कि ये कैसा है, चार्ज पार्टिकल है, यानी कि ये चार्ज स्फेरिकल गोला है। कैसा है, ये चार्ज्ड है, यानी कि इसके ऊपर आवेश है, यानी कि आवेशित है। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं कि इसके अंदर किसी पॉइंट पर, यहाँ कहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमें पता है कि यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बनेगा। बट इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, ये हम लोग जब उस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, डेरिवेशन के बारे में, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कोई भी चार्ज्ड हेलो स्फेरिकल कोई भी अगर हमें दे रखा होता है स्फेयर, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है, ठीक है, आवेशित खोखले चालक गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक, यहाँ कहीं बाहर होगा, आउटसाइड अगर पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, बट इसके इनसाइड पूछ रहा है हमसे, गोले के अंदर पूछ रहा है, तो गोले के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो, आर त्रिज्या की आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत विभव, यानी कि वही है, इसकी भी रेडियस हम आर मान सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, स्फेरिकल सेल है ये भी, स्फेरिकल गोला है, यहाँ भी वही गोलीय कोश दे रखा है, स्फेरिकल सेल, और कैसा है, चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, आवेशित खोखले चालक, यहाँ पे कह रहा है आवेशित गोलीय कोश। ठीक है, आर रेडियस है, इसकी भी आर रेडियस मान सकते हैं, तो सेम यही है, आर रेडियस की आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत विभव। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे विभव की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, किसकी बात कर रहा है, विभव की। ठीक है, तो यहाँ विभव क्या होगा, विभव सेम रहता है, ठीक है, विभव सेम रहता है, जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा यहाँ पे, ठीक है, जितना इसकी सरफेस पे होगा यहाँ इसके ऊपर, उतना ही कहाँ होगा, इसके केंद्र पर होगा। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, वही जो पृष्ठ पर है। ठीक है, सेम पोटेंशियल रहता है, जितना उसकी सरफेस के ऊपर होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ होगा, केंद्र पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक धातु के गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफेराड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, गोला है, क्या है, एक गोला। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि ये मान लो कोई गोला है, ठीक, धातु का,
और इसकी धारिता जो है, मतलब ये जो कितने, मतलब कितना ये स्टोर कर सकता है, ठीक है, इसकी धारिता क्या है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है, वो हमें दे रखी है कितनी, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस इसकी क्या होगी, ठीक है, ये रेडियस क्या होगी। तो यहाँ से स्फेरिकल गोले के लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए, और अगर फार्मूला पता होगा तो फिर तो सिंपल हो गया, फिर तो अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं फार्मूला क्या होता है, देखो, सी इज इक्वल टू 4πε0 ए लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ए लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ए क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, ठीक है, इसकी क्या है, रेडियस। तो यहाँ से हमें ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, सी अपॉन 4πε0, और इस 1/4πε0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, कूलम्स लॉ में हम लोग जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग ने बताया था आपको कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 9×10⁻¹। तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू कितना होगा, 9×10⁻¹, और इस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमें दे रखी है 1×10⁻¹¹, ठीक। तो यहाँ से देखो प्लस की 9 और माइनस की 6, यानी कि प्लस की 9 माइनस की 6, तो कितनी बचेगी, प्लस की 3, यानी कि जो a निकल के आएगा वो a निकल के कितना आएगा, 9×10⁻³, या हम इसी को, ये किस में आ गया, मीटर में, या हम इसी को कह सकते हैं 9 किलोमीटर। तो जो इसकी रेडियस निकल के आ रही है वो रेडियस कितनी निकल के आ रही है, 9 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन कितना, 9 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे क्या कह रहा है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, मतलब किस किस पे निर्भर करती है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हमें ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि स्फेरिकल के लिए हमने अभी अभी पढ़ा था क्या होता है, सी इज इक्वल टू 4πε0 ए, यानी कि यहाँ से हमें पता लग रहा है एरिया पे तो डिपेंड करता है, सॉरी यहाँ पे रेडियस पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल के लिए एक फार्मूला आता है 4πε0 ए, यानी कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कैपेसिटेंस जो है वो इस पे रेडियस पे डिपेंड करती है। इसी तरह से कई सारे फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ε0a/d, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया था वो क्या आया था, C=εa/d, ठीक है। इस तरीके से दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव चार्ज थी और दूसरी नेगेटिव चार्ज थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसके बीच की जो ये डी है वो इसके बीच की डिस्टेंस है, ए क्या है इन प्लेट्स का एरिया है, ठीक है, और ε0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लेट की आकृति पर, यानी आकृति का मतलब अगर आकृति जैसे कि स्फेरिकल है, ठीक है, या प्लेन है या रेक्टेंगुलर है, तो ठीक है उस पर एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा जैसी भी आकृति होगी, यानी कि एरिया पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है प्लेटों के आकार पर, आकार का मतलब वही एरिया, ठीक है, यानी कि साइज पे डिपेंड करता है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा देखो प्लेटों के बीच अंतराल पर, यानी कि उनकी डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितनी दोनों के बीच डिस्टेंस है। एक ऑप्शन है हमारे पास प्लेटों के आवेश पर, यहाँ इन दोनों फार्मूलेस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी चार्ज की बात नहीं की जा रही है, कहीं भी चार्ज की बात नहीं की जा रही है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस पे डिपेंड नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
सी धारिता के संधारित्र को, ठीक है, अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है सी, ठीक है, संधारित्र को कैपेसिटर को क्यू चार्ज देने पर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी है डब्लू, यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। यानी कि पहले जो चार्ज है क्यू है, उस टाइम पे जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके पास वो कितनी है डब्लू, ठीक। अब कह रहे हैं कि चार्ज को अगर डबल कर दें, चार्ज को डबल करने पर उसकी स्टोर्ड एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है संचित ऊर्जा का, स्टोर्ड एनर्जी का, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आप लोगों ने हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ पता होगा। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया था, सब कुछ बहुत अच्छे से उसमें बताया था, ठीक है। क्या होता है सी वी स्क्वायर, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अभी देखा था क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी वी। तो यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी Q अपॉन C, यानी कि यहाँ क्या रख सकते हैं C, और यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो एक C कैंसिल हो जाएगा, यानी कि U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये तो एनर्जी पहले थी, इसको हम W लिख सकते हैं, ठीक है। ये W बराबर हाफ Q स्क्वायर C, ये एनर्जी कैसी थी, ये तो उसके पास पहले से थी जब कितना चार्ज था Q। अब कह रहे हैं Q क्या हो जाए डबल, यानी कि Q की जगह 2Q, तो 2Q यहाँ रखेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा स्क्वायर इसका, ठीक है, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे W इज इक्वल टू 1/2 Q की जगह क्या रख दें 2Q का स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास C, तो ये कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्या है डब्लू। तो यहाँ पे अगर डब्लू डैश की बात करें तो डब्लू डैश कितना हो जाएगा 4 times W, यानी कि 4 times W, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हमारा तीसरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि 4W, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है, यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी उसकी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आवेश को दुगना करने से स्टोर्ड एनर्जी 4 times हो जाती है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है, दो आवेशित वस्तुओं को, यानी कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आपस में जोड़ने पर उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब उनके आपस को जोड़ने पर उनके बीच जो है वैद्युत धारा नहीं बहती है, मतलब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और दोनों चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया आपस में जोड़ दिया, और उसके बाद भी उनमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, धारा नहीं बह रही है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। आवेश समान है, आवेश समान है, धारिताएँ समान है, थर्ड ऑप्शन विभव समान है, प्रतिरोध समान है, ठीक है। तो देखो, प्रतिरोध समान है, आवेश समान है, इससे कोई फर्क नहीं है, धारिताएं समान है, ठीक है, प्रतिरोध समान है, तो ये तो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। क्या होगा, विभव जब समान होगा तो उस टाइम पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जब पोटेंशियल उनके बीच समान होंगे दोनों के, तो उस टाइम पे करंट का फ्लो नहीं होगा, इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्यों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्यों, पृथ्वी की धारिता शून्य है, मतलब पृथ्वी की जो है कैपेसिटेंस कितनी है 0 है, शून्य है, पृथ्वी की धारिता अनंत है, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट, या दोनों सही हैं, मतलब धारिता शून्य है, धारिता अनंत है, तो ये तो रॉन्ग ही है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, ठीक है, दोनों तो नहीं हो सकते, शून्य भी हो सके अनंत भी हो जाए, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही देखते ही हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं है, इस पर सोचने का कोई भी काम नहीं है। तो देखो,
पृथ्वी की वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की धारिता जो है वो अनंत है। पृथ्वी जो है हमारी वो इन्फाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकती है, कितना भी चार्ज दे दो उसको, ठीक है, कितना भी चार्ज दे दो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो कैसी है, इन्फाइनाइट है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत है, यानी कि पृथ्वी जो अर्थ है हमारी वो इन्फाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी जो है वो इन्फाइनाइट है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें हम बता चुके हैं कि चार्ज कैपेसिटर की जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कई सारे फार्मूले होते हैं उसके, जैसे कि हमारे पास सिंपल वे में Q इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको टिक कर देंगे। अगर यहीं पे सी वी स्क्वायर की जगह क्या दे रखा होता, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो वो भी सही हो जाता, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर है और बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बी, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी, तो यहाँ रख सकते हैं हम वन बाई टू सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यू इज इक्वल टू सी भी रख सकते हैं, फिर हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कई सारे फार्मूले यहाँ से बन सकते हैं, और इसी तरीके से हम और भी इसके दो तीन फार्मूले बना सकते हैं, वो हमने आपको उसमें सिखाया है जब हमने इसका टॉपिक आपको डिस्कस किया था, आपको पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इस वीडियो का या इस लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्या है, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता होगी, यानी कि हमारे पास पूछ रहे हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको हमने कह दिया ये C3 है, ये C1 है और ये C2 है। ठीक, तो C1 C2 हमें दे रखे हैं 2 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड और C3 भी हमें दे रखा है कितना 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम, मान लो हमने अब ये दोनों कैपेसिटर हमारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, और इन दोनों के साथ ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं उसमें। ठीक है, कि किस तरीके से इनको ऐड किया जाता है, ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे जब सीरीज में होते हैं तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं, मान लिया वन अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। क्लियर, यहाँ से वन अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरड और सी टू की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरड, तो 2 यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 ये आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से कितना हो गया 2 बाई 2, यानी कि सी डैश इज इक्वल टू सॉरी सी 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि सी डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नया स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो क्या बन जाएगा, ये ए हो गया, यहाँ से एक कैपेसिटर हमारा ये आ गया और दूसरा कैपेसिटर ये आ गया। ठीक, अब इस कैपेसिटर की जो सी डैश हमने नया कैपेसिटर बनाया है, ठीक है, सी डैश इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 माइक्रोफेरड, ये कितना आ गया 2 से 2 कट के 1 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइक्रोफेरड और ये कितना है 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो ये देखो अब ये और ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में जब होते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C3।
ठीक है, रेजिस्टेंस में जब हम लिखते हैं, जब पैरेलल में होते हैं तो 1/C, यानी कि इसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का उल्टा सीन है। तो यहाँ से C" = C3 कितना है हमारे पास, C- कितना है 1 माइक्रोफेरेड और C3 कितना है 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया 3। तो C" = 3 माइक्रोफेरेड, यानी कि 3 माइक्रोफेरेड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।